दसवीं कक्षा का तीसरा विषय हिंदी कालांश में स्वागत है। आज कुछ 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पद्य विभाग, जो तो को काटा बूबे, ताही बोए तो फूल। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी के दोहे से ली गई है। यहाँ पर कवि हमें दूसरों का भलाई करनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किए हैं। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, यानी तुम्हारा अहित करता है, तुम उसके साथ वैसा ही व्यवहार मत करो। तुम्हें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए, भले ही वह हमारा अहित करे, लेकिन हमें उसका हित करना चाहिए। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि अच्छा कर्म करो और अच्छा फल पाओ। दूसरा आशय स्पष्ट कीजिए है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी के दोहे से ली गई है। यहाँ पर कवि मन में धैर्य रखकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किए हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि काम धीरे धीरे होता है और समय आने पर ही पूरा होता है, इसीलिए काम करते समय मन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी और उतावले होकर काम नहीं करना चाहिए, स्थिर और शांत हो कर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली पेड़ पौधे पर 100-100 घड़े पानी सींचे देने पर भी जल्द फल नहीं होगा, क्योंकि पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग सकते, इसके लिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही संदेश देते हैं कि मन में धैर्य रखकर समय का इंतजार करना चाहिए। तीसरा आशय स्पष्ट कीजिए है, सूरदास मोही गोधन की सो हो माता तू पुत। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास जी के पद से ली गई है। यहाँ पर कवि कृष्ण की शिकायत भरी बातें सुनकर माता यशोदा कृष्ण को ढांढस बंधाती है उसके बारे में वर्णन किए हैं। कवि का कहना है कि कृष्ण की शिकायत भरी बातें सुनकर यशोदा माँ समझाती है, दाऊ बड़ा ही धूर्त और चुगलखोर है। दाऊ तो तुम्हें झूठ बोलकर चिढ़ाता रहता है, उसकी बात मत सुनो। मैं अपने इस गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा लाडला पुत्र हो। अभी चौथा आशय स्पष्ट कीजिए देखेंगे, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी के दोहे से ली गई है। यहाँ पर कवि मीठे वचन के महत्व के बारे में वर्णन किए हैं। कवि का कहना है कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं, मीठे वचन से सब खुश होते हैं, मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, लेकिन कठोर या कटु वचन से लोग अप्रिय हो जाते हैं। मीठी वाणी से किसी को भी अपने बस में रख सकते हैं, इसीलिए मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है, कटु वचन से दूसरों को दुख पहुंचता है। इस पंक्ति में कवि संदेश देते हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और कठोर वचन का त्याग करना चाहिए। ये हो गया पद्य विभाग। अभी आया गद्य विभाग का, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा? बाण भट्ट अपने दोनों लड़कों को बुलाया और कहा, सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम अपनी भाषा में व्यक्त करो। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरत। बात एक ही थी लेकिन कहने में फर्क था। छोटे लड़के ने अपने भाव को मधुरता से प्रकट किया और उसका शब्द संयोजन सुंदर था, जिससे प्रभावित होकर बाण भट्ट ने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो दूसरा प्रश्न है गद्य विभाग का, किन किन गुणों के कारण मनुष्य आदर का भाजन बनता है? तो उत्तर है, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ हो जाता है।
मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी में समानता होनी चाहिए, क्योंकि कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। इन सब गुणों के कारण मनुष्य आदर का भाजन बनता है। तीसरा प्रश्न है, किसी काम को करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? तो उत्तर है, अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। इसलिए उसे काम करने से पहले कृपया शब्द का प्रयोग और काम होने के बाद धन्यवाद कहना जरूरी है। किसी काम को प्रसन्नता से करना चाहिए और काम करते समय नाखुशी या एहसान जताना नहीं चाहिए। यह सब सज्जन का पहला कर्तव्य है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।